पब्लिक तो ना इमोशनल फूल होती है। सही है भाई, इतना ही धंधा ऐसे ही चलता रहा ना, वो दूसरा लड़का है देखो कि पाँव काट के उसे अम्बु स्टेशन में बिठा दे। अरे पागल, चेंबूर के लोग ना लुखे रे, जेब से पैसे ही नहीं निकल। ए, तेरे को कैसा मालूम? भाई पिछले में अपना कितना घाटा हुआ ना, मैं क्या बोलता हूँ उसको अपन अंधेरे स्टेशन पर भेज। चल। हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, वहां पे तो बहुत पब्लिक यानी बहुत माल। अरे अरे तुम लोग है ना धंधे को लेके बहुत इमोशनल है। हाँ भाई अभी ये धंधा बिंदा छोड़ो, अपने को भूख लगे ले। क्या तेरे को लगे? हाँ ना भाई तेरे को। हाँ। अब पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा, चले रुके चल। हाँ ना भाई। भाई उस बच्चे के लिए भी कुछ लाते है क्या? ये तेरा रिश्तेदार है, तेरा बहन है। ये इसका बहन है। हाँ हाँ जी ये तेरा साला। हाँ ये चल ना चल चल। फिर भी भाई बच्ची हो, अभी तेरे को कटर वाली का पिटा हो गया। नहीं भाई तो फिर चलना है। पब्लिक इमोशनल फूल सब बेचारी नन्ही सी जान, क्या मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता? आम कैन ब्रिंग अनदर चाइल्ड या नहीं? इट्स वेरी ट्रू सर। मैडम आपकी एक रुपए की भी किसी और बच्चे को अपंग बना सकती है। चलो बेटा। Thank you, Mr.
मम्मी वो देखो। ये दू आ दो। लो बेटा खाओ। शुक्रिया साहब। एकदम सही है, इसलिए मैं पैसे की जगह पे खाना देना सही समझता हूँ। सब कह रहे भाई रोकड़े की जगह खाना। भाई वो देखो लोग बोर्ड पर कर पैसे की जगह खाना डाल रहे। भाई वो बोर्ड पे लिखा क्या है? एड़ा अपने को पढ़ना आता है क्या? अभी मेरे को क्या मालूम उसमें क्या लिखा है। भाई बाहर जाके देखते हैं क्या। ए, पब्लिक बहुत शानी हो गई, उधर जाएगा ना बहुत पड़ेगी। इससे पहले कि अपने को पड़े अपन कल्टी खाते, क्या बोलता है? हाँ भाई। चल और किधर जाके धंधा जमाएंगे, निकल एक रेली भरते। आपकी दया भावना व पुण्य कमाने की लालसा की वजह से आप इनको जो भीख में पैसे देते हैं वो भीख में दिए हुए पैसों की वजह से इनकी यह हालात होती है। आप इन्हें जो पैसे देते हैं वो पैसे इनके पास नहीं बल्कि उन रेकटियों के पास जाता है जो इनके हाथ पैर कटवा कर अपंग बनवा कर भीख मंगवाते हैं। इनको आपके पैसों की नहीं बल्कि आपके प्यार और हमदर्दी की जरूरत है। अगर सच कुछ आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, भीख में इन्हें पैसे न देकर खाने की चीज दीजिए ताकि ये उनके पेट में जाए न कि उन रैकेटियरों के पास। जैसे इनको पैसे मिलना बंद हो जाएगा ये रैकेट भी अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप इन पर रहम करना चाहते हैं तो इन्हें पैसे देना बंद कीजिए। क्या आप हमारे साथ हैं?